अक्सर हमारी वॉकेबुलरी में केवल ये दो वर्ड्स होते हैं या तो हैप्पी है या फिर सैड है बट इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट ये वॉकेबुलरी वर्ड्स आर देर फॉर एग्जांपल हैप्पी में यू कैन से अम्यूज यू आर फीलिंग डिलाइटेड, ग्लैड हैं आप प्लीज है चार्म्ड है यू आर फीलिंग ग्रेटफुल ऑप्टमिस्टिक फील कर रहे हैं कंटेंट है जॉयफुल है यू आर फीलिंग एंथुजियाटिक लविंग एंड मार्वलस ये ब्रॉडर सेंस में हैप्पी के बजाय आप ये सारे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं अपने एंड सेंटेंस फॉर्मेशन में सैड डिप्रेस्ड डेस्परेट डिजेक्टेड हैवी क्रश्ड डिगस्टेड फील हो रहा है यू आर फीलिंग अपसेड हेटफुल सोरोफुल मॉनफुल वीपी एंड फ्रस्ट्रेटेड सो दीज आर डिफरेंट वर्ड्स जो पॉसिबल है जो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सैड यू कैन यूज

टेनेशियस टास्क हार्डी सिक्योर एम्पावर्ड है एम्बिशियस है पावरफुल है यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इज अ वेरी गुड क्वालिटी बी कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग एनर्जाइज में यू कैन से डिटरमाइंड है यू आर डेटर माइंड इंस्पायर्ड है क्रिएटिव है यू आर फीलिंग हेल्दी यू आर फीलिंग रिन्यूड रिज्यूवनेटेड वाइब्रेंट स्ट्रेंथन मोटिवेटेड फील हो रहे हैं फोकस्ड फील है बी रिफ्रेशील नाउ एक अंडर दी बेयरली इन टाइम जस्ट अपने उसको समय रहते कर लिया एट द लास्ट मोमेंट फॉर एग्जाम्पल आई टर्न इन माई रिपोर्ट जस्ट अंडर द वायर स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ते हैं जस्ट अंडर द वायर टेक द बेटर विद द स्वीट मतलब बेटर भी है स्वीट भी है टू एक्सेप्ट बोथ द गुड एंड द बैड दैट हैु एंड बैड टेक द बेटर विद द स्वीट फॉर एग्जाम्पल इफ यू इंटेंट टू गेट मैरिड यू मस्ट बी प्रिपेयर टू टेक द बेटर विद द स्वीट नाउ ये कुछ वर्ड्स हैं वोबुलरी वर्ड्स में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लेटर ए बी सी डी ई एंड एफ आज हम बात करते हैं जी पे ग्लूम ग्लूम का मीनिंग होता है उदासी है वहां पे ऑप्शक्योरिटी है डार्कनेस है सिनोनिम एंटोनिम कुड बी डिलाइट मर्थ दिस इज दिस ग्लूम एंटोनिम विपरीत ग्लट का मतलब है भरमार है ग्लटनी स्टफ सैटिट है वहाँ पे एंटोनिम कुड बी स्टार्व मतलब शॉर्टेज है वहाँ पे एप्स्टीन है वहाँ पे चीजें अवेलेबल नहीं है खाना नहीं है स्टार्वेशन है गॉर्जियस का मतलब है वो बहुत भव्य है मैग्निफिशियंट है डेजलिंग है एंटोनिम कुड बी डल और अनप्रिटेंशियस डल और अनप्रिटेंशियस ये एंटोनिम होगा गॉर्जियस का ग्रेशियस का मतलब है वो विनीत है कॉर्टियस है बेनिफिशियंट है एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा कि पर्सन इज रूड अनफॉरगिविंग ग्रिजली मीन्स होता है वो बहुत भयानक है विभत्स है डिस्गस्टिंग है एट्रोशियस है वेरी प्लीजिंग थिंग अट्रैक्टिव थिंग एंटोनिम हो सकता है छल दैट इज ट्रिकरी है वहां पे कनिंग चीज है डिसीट है वो एंड एंटोनिम यहां पे हो सकता है दिस इज ऑनेस्टी एंड फ्रेंकनेस So this is 17th of September 2020, set number 25 minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.